नमस्कार दोस्तों, आज फिर हूं मैं आपके सामने दुष्यंत कुमार। और देखिए दोस्तों, स्वागत है आपका डीके नॉलेज चैनल में। देखिए दोस्तों, आपके लिए ये मनोविज्ञान की दूसरी वीडियो, ये सॉरी 14वीं वीडियो लेकर आया हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जाता है। देखिए, एक हमारा कोलर हो गया, एक हमारा थंडाइक, एक प्याजे और एक हमारा क्या नाम है, ये स्किनर और पावलब, ये पांच हैं दोस्तों हमारे। इनमें से निश्चित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस जीव पर प्रयोग किया, या किस क्या कह सकते हैं, किस जंतु पर किया प्रयोग, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए, सूज का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो जनक है, इसका जो प्रतिपादन किया दोस्तों, कोहलर नामक ने किया। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ। और दोस्तों देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सूझ क्या है। देखिए, सूझ से मतलब होता है दोस्तों समझ, और अंतर्दृष्टि यानी अपने आंतरिक जो बुद्धि है उस पर आधारित, ठीक है, वह सिद्धांत जो बुद्धि पर आधारित हो या अपनी आंतरिक भावनाओं पर आधारित हो कह सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ये कौन थे भाई, ये कोहलर थे। कौन थे? कोहलर। और कोहलर ने इसका प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन, यानी जनक थे ये कह सकते हैं, ठीक है। और इस सिद्धांत को दोस्तों गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। अब बात तो दोस्तों बात करते हैं कि कोहलर ने तो ये प्रयोग किया, लेकिन ये पूछ लेता कभी कि कोहलर ने ये जो प्रयोग किया वो किस पशु पर किया, किस जीव पर किया। तो दोस्तों देखिए, जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो सुल्तान नामक वनमानुष पर किया। सुल्तान नामक वनमानुष, सुल्तान नामक वनमानुष पर ये प्रयोग किया। दोस्तों ये पूछ लेता है कि मतलब कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया किस जीव पर किया। तो दोस्तों देखिए, ये लिख रहा है कि कोहलर नामक सुल्तान नामक वनमानुष पर ये प्रयोग किया, या वनमानुष भी दे सकता है वो आपको, नाम तो नहीं पूछ सकता। ज्यादातर ये पूछता है कि किस पर किया, तो वनमानुष पर किया। अब दोस्तों देखिए, उसने क्या किया, ये जो उसने प्रयोग किया दोस्तों, चार चरणों में किया। कितने चरणों में ये पूछ लेता, कितने चरणों में किया, तो चार चरणों में पूरा किया। और ये किया कैसे दोस्तों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको बनाकर दिखाता हूं क्या किया कोहलर ने। देखिए, ये हमारा ये मान लीजिए हमारा जो पिंजड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, ये पिंजड़ा बन रहा है। और मैं पिंजड़े के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये हो गया मान लो हमारा पिंजड़ा है, कॉमन सी मान लो, कॉमन रूप से मान लो ये कि हमारा पिंजड़ा। और देखिए ये क्या है दोस्तों, इसके अंदर तो दोस्तों देखिए, ये पिंजड़ा है और यहां मान लीजिए कि इसके अंदर यहां ये वनमानुष बैठा हुआ है। क्या है? वनमानुष, सुल्तान नामक वनमानुष को इसने इसके अंदर किया। किसके? एक पिंजड़ा लिया उसने बड़ा सा, जिसमें वो आ सके और आराम से घूम सके। वो पिंजड़ा लिया और उसके अंदर वनमानुष, एक वनमानुष को मतलब रख दिया, यानी कहने का मतलब यह है कि उसे बांध दिया या खोल दिया, स्वतंत्र रूप से खोल दिया, बांधा नहीं, ठीक है, यानी स्वतंत्र रूप से उसे अंदर खोल दिया। और उसने क्या काम किया दोस्तों, यहां एक क्षण रख दी। मान लीजिए ये क्षण रखी हुई है, ये क्या है, क्षण है। और ये क्षण लट्ठा कह सकते हैं, छोटा ये क्षण। ये क्षण रख दी, ठीक है, लट्ठा ठीक नहीं लग रहा, क्षण ज्यादा अच्छा, ठीक है, यानी उसने क्षण ली और क्षण रख दी। और क्षण दोस्तों इतनी बड़ी रखी कि बाहर उसने
केले का इंतजाम किया, यानी यहां ऐसे मानिए कि उसने केले लटकाए। देखिए मैं आपको यहां बनाकर दिखाता हूं। ये दोस्तों मान लीजिए कि केले हैं हमारे, क्या है ये, केले हैं, और ये केले हैं। ये हुआ क्या दोस्तों, देखिए ये केले, मैंने आपको चित्र ऐसे थोड़ा सा बनाकर दिखा दिया ताकि आप परख सको, समझ सको, ये केले हैं। तो इसके अंदर बनमानुष उसने रख दिया, यानी बांध दिया, या स्वतंत्र रूप से छोड़ा, बांधा नहीं भाई, स्वतंत्र रूप से उसने छोड़ दिया। उसने क्या किया, यहाँ एक क्षण रख दी, और क्षण रखने के बाद ये केला इतनी दूरी पर रखे ताकि बनमानुष इस क्षण के माध्यम से केला खींच सके। तो पहले जब बनमानुष इसके अंदर उसने बंद किया था तो दोस्तों वो भूखा था, यानी इतना भूखा था कि वो बाहर रखी हुई वस्तु को जो उसकी खाने के लिए रखी गई थी उसे खींचने के लिए प्रयत्न करता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बाहर केला लटके हुए थे उन केलों को खींचने के लिए वो पहले तो ऐसे ही प्रयत्न करता, बार बार प्रयत्न करने के बाद में जब वो सक्सेस नहीं होता तो फिर क्या करता, वो क्षण जो अंदर रखी थी उस क्षण को, क्षण के माध्यम से इन केलों को अपनी तरफ खींचने में सक्सेस होता है, सफल हो जाता है और इन केलों को खा लेता, उसकी भूख शांत हो जाती है। ये प्रयोग हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी पहला स्टेप हो गया दोस्तों ये। अब देखिए दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या किया दोस्तों उसने, सेकंड स्टेप में क्या किया, देखिए इस बार केलों की दूरी थोड़ी बढ़ा दी, यानी केलों की बीच की जो दूरी और बनमानुष के बीच की दूरी पहले कम थी, एक क्षण रखी, इस बार उसने दो क्षणों को रखा और यहां एक ऐसी धागा वगैरह रख दिया जिससे वो क्षणों को जोड़ सके, और केलों की दूरी उसने बढ़ा दी। और केलों की दूरी बढ़ाने के बाद हुआ क्या दोस्तों, कि जब ये केला, जब उसे भूख लगी अत्यधिक मात्रा में तो उसने पहले एक क्षण का प्रयोग किया जो उसने पहले किया था, लेकिन होता क्या, एक क्षण छोटी रह जाती है, केलों को खींच नहीं पाता। तो फिर क्या करता है वो दोस्तों, फिर वो दोनों छड़ों को बांध कर केला खींचने में सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा स्टेप। अब देखिए दोस्तों ये अब देखिए ये दूसरा स्टेप हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप की, थर्ड और फोर्थ स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप कौन कौन से हैं, देखिए देखिए अब इस, अब उसने क्या किया, जो मनोवैज्ञानिक था या जो कोहलर था उसने क्या किया दोस्तों, इस बार तो उसने केले रखे थे, तो इसने इस बार केले बाहर रखे हुए थे, उसने सोचा क्यों नहीं इस बार केलों को अंदर लटका दिया जाए। तो उसने दोस्तों जो कमरा था, जो पिंजड़ा था उसका, जिसमें वो बंद था, ये केलों को ऊपर लटका दिया, और ये दोस्तों इतने ऊपर लटका दिया ताकि वो एक कोई वस्तु पर चढ़ने के बाद उन केलों को ऊपर से मतलब उतार सके। तो इसमें क्या किया उसने, इस वाले जो बक्सा था या कमरा कह सकते हैं जो भी है, उसमें एक संदूक रख दिया दोस्तों। संदूक को इसलिए रखा कि वो ये देखना चाहता था कि बनमानुष इसका प्रयोग करेगा केला उतारने के लिए। तो उसने एक संदूक जब रखा और केला इतनी ऊंचाई पर रखे ताकि एक संदूक लगाने के बाद केला उतारने में वो सक्सेस हो जाए, तो उसने क्या काम किया, यहां खड़ा होकर और जैसे केला बंधे हुए थे तो उसने संदूक जो उसके पिंजड़े में कहीं रखा हुआ था वो अपने नीचे लगाता है, यानी पहले तो ऐसी उछल कूद करता, जब सक्सेस नहीं होता तो वो क्या करता है, उस संदूक को लेकर आता है और अपने पैरों नीचे लगाता है, और लगाने के बाद वो उन केलों को उतारने में सक्सेस हो जाता। ये था दोस्तों तीसरा स्टेप। अब देखिए फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया, फोर्थ स्टेप में ये किया उसने कि फोर्थ स्टेप में इस बार उसने क्या किया, एक बक्सा रखा था उसके अंदर, इस बार उसने दो बक्से रखे, लेकिन उसने केले की जो ऊंचाई थी बढ़ा दी, वो ऊंचाई इतनी बढ़ा दी ताकि वो दोनों बक्सा लगाने के बाद तरह ऊपर और उन्हें प्राप्त कर सके। तो हुआ क्या दोस्तों, वो जब भूखा था पहले की तरह, यानी हर बार उसने भूखा रखा था दोस्तों, वो भूखा इसलिए रखा था ताकि चीजों को देखकर वो उनकी तरफ आकर्षित हो। तो फिर क्या हुआ कि उसने जब एक संदूक रखी पहले, जब वो सक्सेस नहीं हुआ फिर घूमता रहा, और फिर उसने दूसरी संदूक, संदूक के ऊपर रखने के बाद वो केला प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों इसका सार जो निकल कर आया, ये निकल कर आया कि
कोलन ने जो अपना प्रयोग किया वो चार चरणों में पूरा किया, और चारों चरण मैंने आपको अपने तुम्हारे सम्मुख बता दिए कि कौन कौन सा था। और दोस्तों किया किस पर ये, तो सुल्तान नामक बनमानुष पर किया। किया किसने, कोलन ने किया। कोलन इसके प्रतिपादक है यानी जनक भी है, और इसे गैस्टाल्ट सिद्धांत, गैस्टवाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूज या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस ओनली समझना है। और इसमें ये पूछा जाता है ज्यादातर कि कोलन ने जो अपना प्रयोग है वो किस पर किया, तो दोस्तों बनमानुष पर किया। कितने चरणों में पूरा किया, तो चार चरणों में पूरा किया। और सूज या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो गैस्टाल्टवाद के गैस्टाल्टवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं मानता हूं दोस्तों देखिए इससे संबंधित जो भी मतलब आएगा, मैं मानता हूं आप जो पूरी तरह से समझ गए होंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ओनली समझने की जरूरत है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। देखिए हुआ क्या दोस्तों, इसने जो बनमानुष को अंदर रखा जो कि भूखा था, और उसके बाहर केला रख दिए, और केला इतनी दूरी पर रखे, एक क्षण अंदर रख दी एक क्षण, ताकि उसे लगाने के बाद उसे उसके माध्यम से उन केलों को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों उसने क्षण का प्रयोग किया और केलों को प्राप्त करने में सक्सेस हो गया। फिर दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, दो क्षणों को रखा, केले की दूरी बढ़ा दी, और केलों की दूरी बढ़ाने के बाद उसने क्या किया दोस्तों, बनमानुष पहले उछल कूद करता है, एक क्षण का प्रयोग करता है, उसके बाद वो दोनों क्षणों का प्रयोग आपस में बांध कर और केला प्राप्त करने में सक्सेस हो जाता है। इसके बाद वो केलों को वही अंदर लटका देता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कि एक संदूक लगाने के बाद वो उन्हें पकड़ सके। तो पहले वो एक संदूक रखता है उस पर, यानी पहले उछल कूद करता है बनमानुष, उसके बाद उछल कूद करने के बाद वो संदूक का प्रयोग करता और उन केलों को तानने में सक्सेस हो जाता। चौथे स्टेप में वो दो संदूकों का प्रयोग करता और दोनों को लगाकर वो सक्सेस हो जाता। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूज मतलब बुद्धि का सिद्धांत कह सकते हैं इसे, अंतर्दृष्टि मतलब अपने, इसका मतलब देखिए सार ये निकल का आया दोस्तों कि हम जो जिसका प्रयोग करते रहेंगे, ज्यादा करेंगे, उसके माध्यम से हम सीखेंगे, यानी अपने नॉलेज के माध्यम से, अपनी आंतरिक भावनाओं के माध्यम से भी हम सीखते हैं। यानी इससे ये निष्कर्ष निकल का आया कि जब बनमानुष भूखा था तो भूख को शांत करने के लिए किसी चीज को प्राप्त करना चाहता था, उसे भूखा इसीलिए रखा गया था, तो अपनी नॉलेज के आधार पर, अपनी सूझ के आधार पर उन केलों को प्राप्त करने में सक्सेस हो जाता है। यही था कोलर का सिद्धांत, जिसे गैस्टवाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं मानता हूं आपका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।